हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 6 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी, न्यूज ऑन एआर, इसी के साथ इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारे डिस्कशन में। आज की बेसिकली हमारे डिस्कशन में हम 5 अगस्त और 6 अगस्त दोनों की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज आई आज वो आई है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। तो अभी गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन है ग्रामीण का, इसका सर्वेक्षण है वो करवाया था। इसकी रिपोर्ट है बेसिकली, वो रिलीज है, डाटा है वो रिलीज है, वो क्या गया है तो इसके बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है क्या। तो गवर्नमेंट ने वैसे एक अभियान चलाया था 20 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के नाम से, रूरल एरिया में भी चलाया था और शहरी एरिया में, मतलब अर्बन एरिया में भी। तो जो ग्रामीण एरिया में, या आप बोल सकते हो कि जो रूरल एरिया में जो मिशन चलाया गया था उसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ये बेसिकली चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा। ये आपको ध्यान है वो रखना है। इसके साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि जो अर्बन एरिया के अंदर जो प्रोग्राम चलाया गया था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया था कोलैबोरेशन में। तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है यहाँ पे। इसे कुछ इंपोर्टेंट फीचर्स वगैरह यहाँ पे हम देखते हैं। देखो बेसिकली मैं आज आपको एक चीज बता दूं कि आज अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो अभी मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए आज हम जो डिस्कशन है वो थोड़ी पीडीएफ की फॉर्म में हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नोट्स वगैरह वैसे ऑप्शन नहीं था मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक पीडीएफ के फॉर्म में इनको डिस्कस वो कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जैसे मैंने आपको बताया कि 2014 को लॉन्च है वो किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे गांधी जयंती थी और उसी मौके पे बेसिकली इसको स्टार्ट है वो किया गया था। जब हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मोटो क्या है, तो मोटो इसका यह है कि भारत को 2019 के जो 2 अक्टूबर आएगा उस टाइम पे भारत को कम्प्लीटली ओपन डेफिसिट फ्री है वो घोषित करना है, और भारत को एक क्लीन भारत है वो बना के रखना है। क्योंकि आपको बताया कि 2 अक्टूबर को हर साल गांधी जयंती मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर 2019 को क्या होगा, महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है, और उसी मौके पे हमारी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि भाई हम पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त है वो रखें, इसके साथ ही स्वच्छ भारत है वो बना के रखें, मतलब पूरे भारत में सफाई वगैरह है वो एकदम चकाचक रहनी चाहिए। इसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप है, एम के आधार पर इसको स्टार्ट है वो क्या गया था। जब अभी हम थोड़ा रिसेंटली डाटा की बात करें कि कितना क्या हमें रिजल्ट मिला है, तो वो कुछ इस प्रकार है कि जो रूरल एरिया के अंदर सैनिटेशन की बात है उसका कवरेज लगभग हो गया है 89% के आसपास, 2 अगस्त तक का ये डाटा बेसिकली यहाँ पे है। इसके साथ ही 19 स्टेट हैं और यूनियन टेरेटरी हैं जिन्होंने अपने आप को ओपन डेफिसिट फ्री है वो घोषित किया है, मतलब 19 स्टेट और यूनियन टेरेटरी हैं वो उन्होंने खुले में शौच मुक्त अपने आप को घोषित है वो कर दिया है। इसके साथ ही हमारे देश में 7.9 करोड़ टॉयलेट हैं वो बनाए गए हैं, 421 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे खुले में शौच मुक्त उनको घोषित किया गया है। तो एक तरीके से देखो सारा डाटा तो आपको याद नहीं रखना है, बट आप मोटा मोटा आइडिया लिख सकते हो, जैसे कि मेंस के आंसर राइटिंग के दौरान कि अभी तक स्वच्छ भारत मिशन का अगर कुछ चुना गया है तो वहाँ पे कि 89% एरिया है वो खुले से शौच मुक्त वो हो गया हमारे देश का ऐसा, और यूनियन टेरेटरी वगैरह के द्वारा जो स्टेप उठाए गए वो भी आप कुछ यहाँ पे पुटो कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है विद्या लक्ष्मी पोर्टल के बारे में, तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहले तो कंटेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि कर्नाटका जो बैंक है उसने अभी विद्या लक्ष्मी पोर्टल के साथ अपने आप को ऐड है वो किया है बेसिकली। अब है क्या इसको हम देख लेते हैं। देखो तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल है ना, ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे देश के अंदर जो स्टूडेंट है ना उनको, जिनको एजुकेशन लोन की जरूरत है वो यहाँ से लोन है वो ले सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बना दिया है, वेबसाइट बना दी है, इस पोर्टल पर जाके जिस भी स्टूडेंट को एजुकेशन लोन की जरूरत हो वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं, उसके आधार पे जो भी बैंक्स वगैरह हैं उनको भी यहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहाँ से लोन है वो प्राप्त कर सकता है। ये बेसिकली विद्यालक्ष्मी पोर्टल है वो बनाया गया है, मतलब इस तरीके का पहला अपने आप में एक पोर्टल है जो कि स्टूडेंट जिनको जरूरत है एजुकेशन लोन की उनको लोन प्रोवाइड है वो करवाने वाला है। तो अभी रिसेंटली इस पोर्टल के साथ कर्नाटका बैंक ने भी टाइप वो कर लिया है कि भाई वो भी विद्यालक्ष्मी पोर्टल के तहत बच्चों को लोन वगैरह वो प्रोवाइड करवाया गया एजुकेशन लोन, इसमें काफी सस्ता लोन वगैरह दिया जाता है। अब ये किसके द्वारा डेवलप किया गया वो भी देखते हैं। ये बेसिकली डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस के द्वारा जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो कि आती है आपको पता है एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और इसी के साथ ही इंडिया के जो बाकी एसोसिएशन बैंक है जैसे कि एसबीआई होगा, एचडीएफसी हो गया, बाकी और भी तरह काफी सारे बैंक है उन्होंने मिलकर, क्योंकि देखो भाई जब तक बैंक ही नहीं मिलेंगे तब तक लोन थोड़ी मिलेगा किसी को, तो इसलिए बैंकों को भी साथ लेके चला गया है और जो बाकी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो भी यहाँ पे कोलैबोरेट है वो कर रही हैं। जब हम बात करें इसके पूरे मेंटेनेंस वगैरह की तो वो किया जाएगा एनएसडीएल ई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक कंपनी है उसके द्वारा। तो ये तो देखो बेसिकली फीचर्स हैं वो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है।
अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी। देखो यहाँ पे फैसिलिटी कुछ इस प्रकार रहेगी, स्टूडेंट है वो अपने आप का जो भी उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है वो उसको देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, इसके साथ ही एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो भी पोर्टल वगैरह से एक्सेस मतलब कंप्लीट डाटा देख सकते हैं कि कितना लोन था उनका, कितनी किस्त मतलब उन्होंने चुका दी है वगैरह, सारा डाटा उनको यहाँ पे मिल जाएगा। और स्कॉलरशिप जो पोर्टल है उसको भी इसके साथ मर्ज है वो किया जा रहा है, तो कम्प्लीटली डिजिटली इंडिया है उसको यहाँ पे सपोर्ट है वो किया जा रहा है, तो ये भी आप ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन है वो प्रोवाइड अभी तक किए गए हैं बेसिकली। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। देखो सबसे पहली बात यह है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तो यह स्कीम है, ये चीज हमें ध्यान रखने काफी इंपोर्टेंट बन जाता है और बहुत ही अच्छी स्कीम बेसिकली लाई गई है। इस स्कीम का मेन मोटो ये है कि लोगों को फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शन है वो प्रोवाइड कराना है। किनको? जो कि बीपीएल गैस कनेक्शन जो कि सॉरी बीपीएल परिवार है उनको, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उन फैमिली में फ्री में गैस कनेक्शन हो प्रोवाइड कराया जाएगा, उनको पैसे भी दिए जाएंगे 1600 रुपए पर कनेक्शन के लिए सेंटर वगैरह के लिए। ये बेसिकली इसके फीचर्स हैं। अब होगा क्या, किस आधार पे दिया जाएंगे वो भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो 2011 का जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था ना उसके आधार पे बेसिकली जो गरीब परिवार हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उस घरों में जो वुमेन है उनको बेसिकली कनेक्शन है वो दिया जाएगा, मतलब वुमेन के नाम पर कनेक्शन वो दिया जा रहा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट का पॉइंट भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और फाइनेंशियल असिस्टेंट है मतलब जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी दिया जाएगा 1600 रुपए का कनेक्शन के साथ, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कुछ और ऑब्जेक्टिव इस स्कीम के हम देखें तो कुछ इस प्रकार है कि तो वुमेन को एम्पावर तो किया ही जा रहा है, इसके साथ वुमेन हेल्थ को भी यहाँ पे सपोर्ट है वो किया जा रहा है। देखो जब हम बात करें खाना बनाने की तो मैक्सिमली जो काम है घर में खाना बनाने का वो वुमेन के द्वारा ही किया जाता है। अब रूरल एरिया में क्या होता है, जब वुमेन खाना बनाती हैं तो या तो वो लकड़ी से खाना बनाती हैं या फिर जो काऊ डंग जो गोबर होता है उसको सुखा के उससे खाना बनाया जाता है या फिर और भी तरह के जो केरोसिन वगैरह हुआ उनसे खाना बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो वुमेन की हेल्थ के लिए काफी हजार्डस है, काफी नुकसानदायक होता है। तो उससे हमारे देश में वुमेन है ना उनकी हेल्थ एक तो पहले से ही खराब है ऑलरेडी, लगभग देखा जाए तो 50% से ज्यादा जो वुमेन है उनमें तो ब्लड की कमी रहती है और जब इतना पॉल्यूशन होता है तो अस्थमा जैसी डिजीज और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में वुमेन के लिए बहुत बड़ा सरदर्द या समस्या हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की ताकि वुमेन की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके और इस स्कीम के फीचर कुछ इसी प्रकार है ताकि वुमेन है उनको खाना बनाने के लिए बेसिकली फॉसिल फ्यूल पे निर्भर ना होना पड़े, वो एलपीजी गैस कनेक्शन वगैरह का एलपीजी का यूज कर सके ताकि उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट की जा सके, ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है। इसके साथ ही उनको कुकिंग फ्यूल है वो यहाँ पे दिया जा रहा है और देखा जाए तो बच्चों के लिए भी काफी अच्छी बात है क्योंकि जब वुमेन की हेल्थ अच्छी रहेगी तो बच्चे हैं उनका ध्यान भी ज्यादा रखा जा सकेगा और बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा ज्यादा फोकस है वो किया जाएगा, तो ये बेसिकली स्कीम है वो इसलिए लाई गई है। इंडोर जो एयर पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन वही होता है कि घर के अंदर से एयर पोल्यूशन जो हो रहा है ना जो फॉसिल फ्यूल जैसे गोबर वगैरह इन सबको जला के जो बनाया जाता है वो इंडोर एयर पोल्यूशन में काउंट हो जाता है, तो वो यहाँ पे कम है वो किया जाएगा। नेक्स्ट जो इस आर्टिकल आया हुआ है कड़कनाथ चिकन मीट के बारे में। कंटेक्स्ट यह है कि कड़कनाथ जो चिकन मीट है इसको जीआई टैग है उसका अप्रूवल अभी दिया गया है, उसको लेके बेसिकली ये न्यूज है वो आई है। तो हम बात करें कड़कनाथ चिकन के बारे में तो ये बेसिकली मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है जो कि एक ट्राइब डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको ध्यान है वो रखनी है, मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है उसमें बेसिकली इसको जीआई टैग है वो दिया गया है। जब हम बात करें कड़कनाथ मुर्गे की कि कहाँ कहाँ ये बेसिकली पाया जाता है तो ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है दो, बेसिकली एक का नाम तो है यहाँ पे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट और दूसरे का है धार डिस्ट्रिक्ट जो कि दोनों ही मध्य प्रदेश में आते हैं, और एक कम्युनिटी है जिसका नाम है भील और एक दूसरी कम्युनिटी है जिसका नाम है भिलाला। तो भील और भिलाला कम्युनिटी है जो कि झाबुआ और धार डिस्ट्रिक्ट में रहती है, वहां पे बेसिकली कड़कनाथ मुर्गे का प्रोडक्शन बोल सकते हो या वहां से बेसिकली कड़कनाथ मुर्गे की स्टार्टिंग वो होती है, मतलब वो एरिया के लिए पॉपुलर है। और लोकल एरिया में अगर देखा जाए तो इसको काला मांस के नाम से जाना जाता है। देखो होता क्या है कि कड़कनाथ जो मुर्गा होता है इसका काला रंग होता है और इसका जो मीट या मांस होता है वो भी काले रंग का ही होता है, तो काफी जो डिजीज होती हैं हेल्थ के लिए इसमें विटामिन वगैरह काफी ज्यादा होते हैं, प्रोटीन वगैरह जैसे कि हम बात करें तो डायबिटीज के अंदर इसका यूज है वो किया जाता है ट्रीटमेंट में, इसके साथ ही और तरह के जो ट्रीटमेंट है उनके अंदर भी इसका यूज है वो किया जाता है, मतलब काफी हेल्दी होता है इसलिए इसकी डिमांड वो काफी ज्यादा रहती है और इसके जो यूज है वो भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है उन वाले एरियो में। तो यह
हमें ध्यान रखना है कि कड़कनाथ मुर्गा कहाँ से बिलोंग करता है। इसको जीआई टैग है बेसिकली, अभी यहाँ पे दिया गया है। जब हम देखो बात करें जीआई टैग की, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। देखो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो कि आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री में, उसके अंतर्गत ही बेसिकली जो जीआई टैग है वो दिए जाते हैं। इसके बारे में हमने काफी बार डिस्कस भी किया है कि जीआई टैग की प्रोसीजर क्या होती है। तो एक बार अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप बता देना कमेंट बॉक्स में, तो हम वहां से आगे से डिस्कस इसको कर सकते हैं कि भाई क्या क्या इसमें फीचर्स वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे। तो ध्यान रखना कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही जीआई टैग वगैरह यहाँ पे आते हैं। कॉपीराइट हुआ, टैग मार्क वगैरह हुई, ये सारे हैं जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, उसके अंदर ही बेसिकली सारे आते हैं, आईपीआर प्रमोशन वगैरह सब। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2018। कंटेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट लोकसभा ने अभी जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2018 है इसको पास है वो किया है। क्यों भाई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, क्या इसके फीचर्स है वो तो देख लें। देखो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2018 का मेन मोटो के लेकर एक तो यही है कि देश के अंदर एक कम से कम एक तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो तैयार की जाए और हमारे देश के अंदर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। क्योंकि देखा जाए तो हमारे देश में स्पोर्ट्स को ज़्यादा वैल्यू स्कूलों में नहीं दी जाती है, तो इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई स्पोर्ट्स को ज़्यादा फोकस किया जाए। और जो देखा जाए एक तरीके से तो जो ओलंपिक वगैरह होते हैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे मेडल अगर हम पा सकते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा, और इसीलिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसकी बात की जा रही है। तो अभी इस बिल में ये प्रावधान किया गया है कि इम्फाल मतलब मणिपुर की जो कैपिटल इम्फाल है वहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो बनाई जाएगी, कंट्री की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। तो एक तो फैक्ट यहाँ पे ये बन जाता है कि देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे होगी, भाई वो इम्फाल मणिपुर में होनी है। इसके साथ ही हम बात करें और ज़्यादा इसके फीचर्स वगैरह की, तो इसके अंदर क्या होगा, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट वगैरह होंगे, एथलीट वगैरह होंगे, उनको टैलेंट के बेसिस पे इंटरनेशनल लेवल पे उनको डिग्री दी जाएगी, डिप्लोमा दिया जाएगा स्पोर्ट्स के अंतर्गत, ताकि वो अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस या इम्प्रूव है वो कर सकें। इसके साथ ही कुछ इसके और फीचर्स को हम बात करें यहाँ पे, तो इस बच्चों को जो स्टूडेंट जो भी यहाँ पे स्टूडेंट आएंगे उनको एजुकेशन दी जाएगी स्पोर्ट्स के एरिया में, उनको स्पोर्ट्स साइंस के बारे में बताया जाएगा, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी है उसको बूस्टअप करने के लिए स्टेप उठाए जाएंगे। इसके साथ ही हम बात करें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की और स्पोर्ट्स कोचिंग है वो भी यहाँ पे दी जाएंगी, मतलब खेल से संबंधित कोचिंग वगैरह भी रहेंगी, ट्रेनिंग सेंटर रहेंगे, मैनेजमेंट वगैरह भी यहाँ पे दिया जाएगा, सारे फोकस यहाँ पे किया जाएगा। ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो बनाई जा रही है, जो कि मणिपुर में बनाई जानी है। ये भी कंटेक्स्ट है जो बिल है वो यहाँ पे आया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि अभी गवर्नमेंट ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है ना उसके अंतर्गत तीन और फंड बनाए हैं, मतलब तीन आप सब फंड बोल सकते हो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत, उनको नाम दिया गया है स्ट्रेटेजिक फंड। तो उसका क्या क्या फीचर्स है वो हम देखते हैं और क्या कहाँ उनको रेगुलेट वगैरह करना है। देखो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड के अंतर्गत तीन और फंड बनाए गए हैं वो बेसिकली सेबी के द्वारा कैटेगरी सेकंड में रजिस्टर्ड है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि रजिस्टर्ड किसके साथ है, वो सेबी के साथ, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। अब जो तीनों फंड है उनका काम क्या है पहले तो वो देखते हैं, और एक चीज़ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है। देखो इन्वेस्टमेंट फंड क्या हुआ, एक तरीके का कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए फंड बनाया गया, वो हो गया इन्वेस्टमेंट फंड। स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि पूरी रणनीति आपने तैयार कर रखी है, पूरा प्लान आपने खाका तैयार कर रखा है कि यहाँ यहाँ पे ये हमारा प्लान है, इस वाले एरिया में बिता इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके आधार पर जो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करें स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे कौन कौन से प्रोजेक्ट पे किया जाएगा वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो बेसिकली जो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट फंड है वो उसका फोकस होगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पे और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे। अब हम बात करें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कौन से होते हैं। देखो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब वो होता है कि वो प्रोजेक्ट जो एकदम नए सिरे से स्टार्ट होने हैं, स्टार्टिंग से ही, मतलब उस वाले प्रोजेक्ट को लेकर सारी प्लानिंग भी होगी नए सिरे से, सारा ही जमीन वगैरह लैंड का सारा काम नए तरीके से स्टार्ट होने वाला, वो तो हो गया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, मतलब एकदम न्यू ब्रांड हो गया, वो तो हो गया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट है, बस उनमें या तो रिनोवेट करना है या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आधा अधूरा पड़ा है, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हो कि उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बीच में लटक गया है आधा अधूरा किसी कारणवश, तो वो हो गए ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। मतलब बीच में लटके हुए प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो तो आ जाएगा ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट के तहत, और एकदम नया प्रोजेक्ट अगर लगाया जा रहा है तो वो आ जाएगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत। तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भारी इजाफा करने के लिए या फिर उसकी हालत सुधारने के लिए बेसिकली स्टेप है वो उठाया जा रहा है।
अब हम बात करते हैं कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। तो देखो बेसिकली इसे 2015 में गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था इस फंड को। इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो भी हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। इस फंड का बेसिकली मेन मोटो ये था कि हमारे देश में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल तैयार करना जो कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट या पैसा है वो देश के। अब आपको पता है कि कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होता है तो भाई पैसे की जरूरत होती है। पैसा ये तो है नहीं कि हर कोई आदमी आके दे दें, तो कम से कम एक ऐसा फंड हो जहाँ पे आके कोई भी कंपनी वगैरह हो या गवर्नमेंट है वो थोड़ा बहुत अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करे और उस इन्वेस्टमेंट फंड की हेल्प से फिर जहाँ भी जरूरत हो रही है उसके मुताबिक वहाँ पे पैसा है वो इन्वेस्टमेंट किया जा सके। ये बेसिकली इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड जो प्रोजेक्ट हैं उनको बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट है वो किया जा रहा है। अब देखो बात करें कौन कौन से प्रोजेक्ट हो गए, जैसे कि एनर्जी प्रोजेक्ट हो गए, अब इसमें ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट हो गया, हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गए, वाटर प्रोजेक्ट हो गए, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट हो गए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और भी जो प्रोजेक्ट हो गए, इन सारे प्रोजेक्ट को इसमें फंडिंग है वो दी जाती है। इसके साथ ही अहम बात यह है कि जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ना, इसका एक्चुअली जो टोटल अमाउंट है वो बेसिकली प्रपोज किया गया 40,000 करोड़। मतलब ये फंड है वो बनाया जाएगा 40,000 करोड़ का। अब ये 40,000 करोड़ है इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होगी वो होगी 49%। मतलब 49% जो पैसा है स्टेक होल्डर है वो रहेगी इसकी गवर्नमेंट, और बाकी जो बचे हैं 51% वो रहेगा और तरह की थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स। अब थर्ड पार्टी इन्वेस्टर में क्या है, कितने भी लोग हो सकते हैं, कितने भी कंपनीज वगैरह हो सकती हैं। मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पे आ सकती है, फंड वगैरह मिल ऐड हो सकता है, या फिर सोवरेन वेल्थ फंड है वो यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल भी यहाँ पे एक तरह से शामिल हो सकता है। मतलब 51% है वो बाकी थर्ड पार्टीज में इंक्लूड होगी, बस 49% जो शेयर है हिस्सा है वो तो देगी गवर्नमेंट, बाकी भाई थर्ड पार्टी से पैसा वो यहाँ पे आने वाला है। तो ऑल ओवर हम अगर हम कहें तो गवर्नमेंट के पास क्या यहाँ पे बहुमत नहीं रहेगा, रहेगा बहुमत यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास ही, ताकि वो इसका मैनेजमेंट अच्छे से कर सके। और इसीलिए गवर्नमेंट ने ज्यादातर हिस्सा है वो थर्ड पार्टी को भी दिया है ताकि उसके पास ही इसका मालिकाना हक रहेगा, तो और भी अच्छे ढंग से इसका मैनेजमेंट वगैरह हो सकता है और ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी अच्छे से बनी रहेगी। अब हम देखें, देखो जो इन्वेस्टमेंट ये फंड होगा, ये जब भी इन्वेस्टमेंट करने वाला है हमारे देश में जहाँ भी जरूरत होगी, जैसे मान लो किसी एरिया में वहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह करना है या फिर नए वाटर प्रोजेक्ट लगाने, उसके लिए फंड की जरूरत है, तो वो पैसा नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से बेसिकली लिया जा सकता है। तो ये इस तरह के बेसिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो लगाए जाएंगे। तो देखो बेसिकली ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। इसकी जो PDF है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आज की जो हमारी द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन है वो आज आफ्टरनून में डिस्कस है वो की जाएगी, क्योंकि अभी मुझे कहीं निकलना है तो इसीलिए काफी देरी हो जाएगी। तो इस बेसिकली एक बार हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले आज हमने यहाँ पे देखा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, उसका अभी रिपोर्टर सर्वे है वो यहाँ पे पब्लिश है वो किया गया है। इसके साथ ही हमने विद्यालक्ष्मी पोर्टल के बारे में जाना, जो कि एक हमारे देश में एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाने के लिए बच्चों के लिए सपोर्ट है वो देता है। इसके साथ ही हमने देखा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट है वो करती है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की स्कीम है। इसके साथ हमने देखा कि कड़कनाथ जो चिकन है इसको GI टैग दिया गया कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, कहाँ कहाँ इसकी लोकेशन है वो हमने डिस्कस की। इसके साथ ही नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल को हमने डिस्कस किया 2018 को, जो कि मणिपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात है वो की जा रही है। इसके साथ ही हमने देखा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका मेन मोटो ये है कि भाई हमारे देश में ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इनको पैसा मिल सके इसके लिए यहाँ पे जिसको सुधार है वो किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो हमने डिस्कस की। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।